हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस व्लॉग में मैं आपको गोवा के बारे में बताऊंगी। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 51 गेट से हमें वहाँ एयर एशिया से गोवा की फ़्लाइट लेनी है। फ्रेंड्स, हम फ्लाइट में बैठ गए हैं और आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कितना ही सुंदर है। कितने सुंदर बादल लग रहे हैं और अब देखो कितनी आस पास हरियाली है। कितना ही सुंदर दृश्य है। यहाँ से आप बाहर देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एकदम नेचर का अलग ही मज़ा है देखने का। फ्रेंड्स, हम गोवा में साउथ गोवा जा रहे हैं। साउथ गोवा थोड़ी पीसफुल जगह है। नॉर्थ गोवा में मार्केट है, लेकिन साउथ गोवा में बाहर कोई मार्केट नहीं है। लेकिन जिस रिज़ोर्ट में हम जा रहे हैं उस रिज़ोर्ट में बाहर ही बीच है, तो पास में ही बीच है। कोई कन्वेंस से हमें बीच नहीं जाना पड़ेगा, पैदल ही रास्ता है, वहीं से हम बीच चले जाएंगे। यहाँ पर सभी अपनी विंडो से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि सबको ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको भी दिखाई दे रहा होगा कितना सुंदर नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि जो आसमान है वो धरती पर ही आ गया है। सारे बादल बादल भी ऐसे ही लग रहे हैं जैसे धरती पर ही आ गए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। अब आपको आगे पानी भी नज़र आएगा। गोवा जाने पर तो नज़ारा अच्छा है ही है बीच का, लेकिन ये जो प्लेन से आपको दृश्य देखने को मिल रहा है ये और भी सुंदर है। अब देखो ये घर आ गए हैं, घर भी नज़र आ रहे हैं ऊपर से हमें। ये देखो सारे के सारे घर हैं और पीछे सारी वो हरियाली हरियाली है। प्लेन लैंडिंग की तैयारी कर रहा है और कुछ ही देर में प्लेन लैंड कर जाएगा और फिर हम गोवा के एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे और वहां से हम रिज़ोर्ट की तरफ जाएंगे। कई लोगों को डर लगता है जब प्लेन लैंड करता है। कई लोग तो मेडिसिन तक खाते हैं कि उनको वॉमिट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लग रहा क्योंकि मैं पहले भी आ चुकी हूँ प्लेन में। अब ये प्लेन लैंड कर जाता है तो हम आपको रिज़ोर्ट में ही मिलते हैं। ये हम साउथ गोवा के रॉयल ऑर्चिड रिज़ोर्ट में आ गए हैं और वहाँ पे भी नारियल के पेड़ देखो कितने ऊंचे हैं। बहुत ही सुंदर रिज़ोर्ट है ये। ये देखो ये बच्चों का इन्होंने बना रखा है और ये यहाँ का स्विमिंग पूल है। ये देखो सार्थक स्विमिंग कर रहा है अपने दादू के साथ। लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। कितनी ही पीसफुल जगह है ये। ज़्यादा लोग नहीं हैं इस टाइम यहाँ पर। सार्थक ने ये स्विमिंग गुड़गावा में क्लब फ्लोरेंस से सीखी है। उसका वीडियो भी आपको इस चैनल में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो उस वीडियो को। अब हम बीच पर जा रहे हैं। बीच का नज़ारा तो देखते ही बनता है। बहुत ही सुंदर लगता है बीच। और बीच पर एक बार जाओ तो वापस आने का मन ही नहीं करता। ये जो आप रेत पर देख रहे हैं सारी सिपियां हैं, समुद्र में से निकली हैं। जब पानी यहाँ तक आता है तो सारी सिपियां सारा अपना सामान यहाँ पे छोड़ जाता है। इसके अंदर एक कीड़ा होता है, ये देखिए।
देखिए गाइस, यहाँ तक पानी पहुँच जाएगा रात होते तक। गोवा का अपना अलग ही मज़ा है, आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे बीच पे मज़े ले रहे हैं लहरों के। यहाँ से आने का मन ही नहीं करता। देखिए सामने कितने सारे क्रो बैठे हुए हैं और बीच भी कितना सुंदर नजर आ रहा है। इवनिंग का टाइम है, बीच देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये रॉयल ऑर्चिड है, ये देखिए, ये ऊपर खाने का बना हुआ है और ये सारे रूम है, डबल स्टोरी है, ये गेमिंग जोन है इनका, ये देखिए सार्थक और उसके दादू खेल रहे हैं। अब इधर आ रहे हैं, ये PS5 है वहाँ पर, उस पे साथ तक गेम खेल रहा है। अब ये इसकी दूसरी गेम शुरू हो गई है, टाइम पास करने का अच्छा तरीका है, PS5 लगा हुआ है यहाँ पर, अपना खेलते रहो, फिर स्विमिंग पूल में जाओ, फिर बीच पे जाओ, अलग ही मज़े हो रहे हैं। देखिए गाइस, वाइट डक कितनी सुंदर लग रही हैं। इस रिजॉर्ट में हम पहले भी आ चुके हैं, तब भी यहाँ पर वाइट डक थी और आज भी है, बहुत सुंदर लगती हैं ये देखने में। यहाँ पर बहुत ही सुंदर देखो शतरंज बनाई गई है, बनाने वाले ने कितना दिमाग यूज़ किया कि इतनी बड़ी शतरंज बनाई है। जो भी इस रिजॉर्ट में आता है इस शतरंज को देखते ही रह जाता है, क्योंकि तो देखने में सुंदर इतनी लग रही है ये। आसपास नारियल के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे बैठ जाओ, फ़ोटो खिंचवाने के लिए अच्छा है यहाँ पर। अब इवनिंग हो चुकी है और सार्थक अभी भी स्विमिंग पूल में है। देखिए अभी तो ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पर स्विमिंग पूल में, सार्थक तो कहता है कि ज़्यादा लोग ना हो तभी स्विमिंग पूल में मज़ा आता है स्विमिंग करने का, और बात भी सही है। स्विमिंग जब आप कर रहे हो तो सामने से भी कोई आ रहा है और उधर से भी कोई आ रहा है, तो फिर आप स्विमिंग इतने अच्छे ढंग से कर नहीं पाते हो। अच्छी स्विमिंग सीख ली है सार्थक ने। यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं, सार्थक और उसके दादू झूले झूल रहे हैं, और अब हम आपको दोबारा से बीच पर ले चलते हैं। देखिए गाइस, समुद्र पूरे अपने उफान पर है। हमने अपना सामान बहुत दूर रखा था, अब देखो धीरे धीरे लहरें सामान के पास आती जा रही हैं।
इवनिंग हो चुकी है और देखो बीच कैसा लग रहा है। आपने मॉर्निंग का बीच भी देखा और ये इवनिंग का बीच है। इवनिंग के टाइम में पानी थोड़ा आगे आ जाता है ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे मना करते हैं कि आगे तक मत जाइए क्योंकि पानी आपको खींच कर अंदर लेकर जा सकता है। इसलिए आगे आगे ही सब मज़ा ले रहे हैं बीच के पानी का। ये देखिए पानी कैसे आ रहा है, आपको हवा भी सुनाई दे रही होगी कितनी तेज चल रही है इस टाइम। समुद्र के अंदर जाने से तो अब मना कर दिया है क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, इसलिए लोग वहीं दूर से ही अब देख रहे हैं। बीच पे जहाँ पे भी कदम पड़ रहे हैं पैर रेत के अंदर ही धंस रहे हैं, पर ये भी अलग ही मज़ा है। जाते जाते हम आपको इस रिज़ोर्ट का फूड भी दिखाते चलते हैं। जब आप रिज़ोर्ट बुक कराते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने ब्रेकफास्ट लेना है और साथ में डिनर लेना है या ब्रेकफास्ट के साथ लंच लेना है। तो हमने ब्रेकफास्ट के साथ डिनर लिया था क्योंकि ब्रेकफास्ट इतना हैवी हो जाता है, कई बार लंच करने का मन ही नहीं करता क्योंकि आप बीच पर जाते हो तो बीच पर ही इतना टाइम लग जाता है कि आपको भूख नहीं लगती, और जब आप वापस आते हो तो तब डिनर का टाइम हो जाता है तो आप डिनर कर लेते हो। नहीं तो अगर आपने लंच करना है तो आसपास कहीं और भी होटल बने हुए हैं, वहाँ पर भी आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पर बहुत तरीके के खाने बनाए गए हैं, वेज में भी है, नॉन वेज में भी है, जैसा भी आप खाना चाहते हैं वैसा खा सकते हैं। ये देखिए, और मीठे में भी बहुत कुछ बनाया गया है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।